अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए आपका फ़ोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं। क्योंकि होता क्या है, कभी भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन हैक कर लिया जाता है बट आपको पता नहीं चलता। और उसके बाद जो भी कुछ आप करते हैं अपने डिवाइस में, चाहे सोशल मीडिया ऐप लाइक एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी ऐप ओपन करते हैं, चैटिंग करते हैं, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल ही क्यों ना करते हो, उन सारी एक्टिविटी पर दूर बैठा हैकर्स नज़र रखता है और बाद में आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जिससे कि आप लोग परेशान हो जाते हो। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसे आपको टाइम टू टाइम अपने डिवाइस में चेक करते रहना चाहिए और इनेबल करके रखना चाहिए। इससे होगा क्या कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी हैक हो जाता है या फिर कोई भी हैक करने की कोशिश करता है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक भी कर रखा है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अभी मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, और लास्ट वाला जो सेटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डिवाइस में अवश्य करके रखना चाहिए। इससे आपका जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको वन बाय वन करके तीनों सेटिंग्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ले लीजिए जिस पर आपको डाउट है कि यह मेरा मोबाइल फ़ोन कहीं हैक तो नहीं है, ठीक है, या फिर इस मोबाइल फ़ोन का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं है। तो आप सिंपल उस मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए और उस मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, आप सिंपल सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल, सबसे नीचे ये रहा। हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिखे, आपको ऊपर में या फिर बीच में दिखे, या फिर यहाँ पर दिखे ही ना, तो आप यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और सर्च कीजिएगा गूगल। ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको गूगल का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स फॉर गूगल ऐप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कनेक्टेड ऐप्स फर्स्ट नंबर पर ही, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो इस जीमेल अकाउंट से लिंक हैं, कनेक्टेड हैं और इस जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए ट्रू कॉलर है, व्हाट्सएप हो गया, और भी काफ़ी सारे ऐप जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा ऐप नहीं है, इस ऐप को मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, उसके बावजूद भी मेरे मोबाइल फ़ोन में यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखा है और इस जीमेल अकाउंट से लिंक है, ठीक है ना, और आपने उसे कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था, उसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, तो आप क्या कीजिएगा, उस एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया जाए तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आपकी सारी एक्टिविटी पर नज़र रखा जा सकता है। क्योंकि एप्लीकेशन जिस कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ वायरस या फिर की लॉगर वगैरह या फिर ट्रैकिंग आईडी ट्रैकिंग कुछ ऐसा कोडिंग डाल देता है जिससे कि आपका डिवाइस ट्रैक किया जा सके पूरी तरह से। तो अगर ऐसा कुछ होता है उसके बाद उस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में आप अपने मोबाइल फोन में जो भी एक्टिविटी करेंगे, जहां पर भी जाएंगे, सब कुछ दूर बैठा हैकर से देख सकता है, नजर रख सकता है। ठीक है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिससे भी जो भी बातें करेंगे उन सारी एक्टिविटी पर नजर रखेगा, आप किससे और क्या क्या बातें करते हैं, कितनी देर बातें करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके मोबाइल का स्क्रीन शॉट लेकर के अपने सर्वर पर, अपने मालिक के सर्वर पर ट्रांसफ़र कर देता है, तो उससे भाई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पर आजकल काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें शेयर करते हो तो उस सिचुएशन में आपको बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अगर आपको अननोन ऐसा कुछ लगता है एप्लीकेशन तो आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ से देखिए अकाउंट एक्सेस रिमूव हो चुका है, मतलब कि अब जो है ट्रू कॉलर इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। आप सिंपल रिमूव एक्सेस पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसी तरीके से इस पर क्लिक कीजिए और रिमूव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो यह रिमूव हो जाएगा, अकाउंट एक्सेस रिमूव्ड, ठीक है ना। एक काम तो आपको ये कर लेना है और ज़रूर करना है, ओके। अब आपको दूसरा स्टेप जो फॉलो करना है यहीं पर करना है, सेटिंग्स में ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिक्योरिटी, कुछ इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे सिक्योरिटी के ऑप्शंस आएंगे, ओके। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, बट आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस सिक्योरिटी, हो सकता है आपके केस में सिर्फ सिक्योरिटी का ही ऑप्शन दिखे, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में दोनों के दोनों ऑप्शन इनेबल होंगे। अगर आपके केस में नहीं है इनेबल तो आप फटाफट इनेबल कर लीजिए, अदरवाइज आपका फ़ोन कभी भी हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। दोनों के दोनों ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन है स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, प्ले प्रोटेक्ट कैन स्कैन दिस डिवाइस एंड वार्न यू अबाउट हार्मफुल एप्स। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो अगर आपके डिवाइस में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके डिवाइस को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है ना, मतलब कि आपके डिवाइस के लिए खतरनाक है, तो उस सिचुएशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, सेंड अननोन ऐप्स टू गूगल फॉर बेटर डिटेक्शन, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। तो दोनों के दोनों जब इनेबल आप कर लेंगे उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपके डिवाइस में कोई हैकर्स या फिर कोई भी पर्सन अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता है हैक करने के लिए, आप पर नज़र रखने के लिए, तो यहाँ पर आपको वो हार्मफुल ऐप्स दिख जाएगा। जैसे ही आप स्कैन पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैनिंग किया जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ ऐसा ऐप होगा जिससे कि आपके डिवाइस को हार्म पहुँच सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और आप उस ऐप को यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले उस ऐप का परमिशन सारा कुछ डोंट अलाउ कर दीजिएगा, डिनाई कर दीजिएगा, उसके बाद उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में 132 प्लस एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पर सारे के सारे स्कैन हो रखे हैं, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर स्कैन करते रहना चाहिए और उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके इन दोनों ऑप्शन को इनेबल करके रखना चाहिए, तो आपका डिवाइस सेफ रहेगा। अब ये जो तीसरा सेटिंग्स है इसको आपको अपने डिवाइस में अवश्य करना चाहिए, इससे आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल करना क्या है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, उसके बाद सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिख जाएगी और यहाँ पर जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आपको डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर माय एड सेंटर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा कंट्रोल द इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर एड्स, मतलब कि आपके डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है एड्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आप गूगल को दिए हैं, योर गूगल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका जेंडर क्या है, आपका एज क्या है, आपकी क्या लैंग्वेज है, ठीक है, रिलेशनशिप, हाउस होल्ड, उसके बाद एडुकेशन संबंधित, जो भी आप गूगल को अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग गूगल क्या करती है, आपको ऐड दिखाती है, ठीक है। तो जब ऐड दिखाती है तो आप उस ऐड को देखते हैं तो आप भी उस पर क्लिक कर देते हैं उस ऐड पर, और बहुत सारे ऐसे भी ऐड होते हैं जो फेक होते हैं, जो गलत होते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन को कभी भी ऐड के थ्रू भी हैक किया जा सकता है। आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा जिस पर ना कोई भी किसी भी प्रकार का काम का चीज़ नहीं है, बट हाँ आप कुछ भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में वायरस, मालवेयर वगैरह इंस्टॉल हो सकता है और आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मेरा बताने का मकसद यह है कि आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर इस सेटिंग्स को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज्ड एड्स का ऑप्शन है जो कि ऑन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टर्न ऑफ कर देना है। ये रहा टर्न ऑफ का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑफ हो चुका है और सारे के सारे योर गूगल अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑफ हो चुका है। कैटेगरी यूज टू शो योर एड्स ऑफ हो चुका है। एक्टिविटी यूज टू पर्सनलाइज्ड एड्स ऑफ हो चुका है, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शंस अब ऑफ हो चुके हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको माय एड सेंटर अब ऑफ देखने को मिलेगा।
अब होगा क्या, गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर किस टाइप का वीडियो वगैरह देखते हैं, किस टाइप का कंटेंट सर्च करते हैं गूगल पर। तो उस कंडीशन में गूगल को जो पता ही नहीं चलेगा, तो आपके अकॉर्डिंग यानी कि आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको एड्स सेंड नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं, और आप उस एड्स पर क्लिक नहीं करोगे, ठीक है ना। मतलब कि बहुत हद तक एड्स आना बंद हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएगा। दोस्त ये कुछ सेटिंग्स थे जो आपको हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में करके रखना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट क्लियर कर दो, अगर आप काफ़ी कोशिश कर लिए हैं उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक ही कर रखा है, यानी कि आपके मोबाइल को पूरी तरह से कंट्रोल ही कर रहा है, तो आप अपने डिवाइस को पूरी तरह से फुल्ली रिसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए। उसके बाद एक बार में आप रिसेट कीजिए और दोबारा से कुछ फालतू के फाइल से डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, क्रोम से, उसके बाद फिर से फुल्ली रिसेट कीजिए। तो ऐसा ये प्रक्रिया जो है 2-3 बार आपको करना है, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन सेफ हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग खुद से चेक कर पाएंगे आपका डिवाइस किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं, और अगर आपका डिवाइस किसी ने हैक कर रखा है तो उससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर और भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।